अखिल भारत हिंदू महासभा की मीटिंग विजय रेस्टोरेंट लुधियाना च हुई, जिस विच पंजाब दे प्रधान श्री विशाल नैयर जी विशेष तौर पर पहुंचे ते श्री वरुण जिंदल नू उप प्रधान लुधियाना नियुक्त किया। साडे रिपोर्टर रिंकू गर्चा की तैयार की रिपोर्ट, आओ देखते हैं। लुधियाने के उपाध्यक्ष के नाते साडे वीर वरुण जिंदल जी की ताजपोशी हो जा रही है। जो साथी ने जिन्होंने सनातन के लिए अपना तन मन धन देने का वादा किया, माता की जय। खड़क दी जा रही है, गुरुओं की धरती पंजाब के वाहेगुरु जी की फतेह। और यह नहीं देख लिमिट च बह के जो बिल बनिया उदो सब तो वड्डे हिमायती बन के केले उभरे सीगे सुखबीर बादल हरसिमरत कौर। किसी चीज की समस्या है आंदे नाल अखिल भारत हिंदू समाज तन मन धन दे नाल खड़ी है। जिथे भी इन्हों की किसी जरूरत होएगी अखिल भारत हिंदू महासभा इन्हें कंध ना कंधी, क्योंकि साढ़े देश का अन्नदाता किसान है, किसान की कभी पिट नहीं लगन देगी अखिल भारत हिंदू महासभा। मैं धन्यवादी हाँ साढ़े राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा नंद किशोर मिश्र जी का, संदीप कालिया जी का जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी मैंबर ते अध्यक्ष ने, ते साढ़े पंजाब के प्रेजिडेंट श्री विशाल नैयर जी का, जिन्होंने सानू ये मौका दिता है कि अपने देश लई भाईचारे लई अपनी कौम लई असी अगे वध के काम करिए। नियुक्ति पत्र वरुण जिंदल जी नू दे के सम्मानित हो। जय हिंदू राष्ट्र, श्री राम, जय श्री राम। मैं निवेदन करांगा विशाल जी नू कि वो नियुक्ति पत्र दे के साडे जिला के उपाध्यक्ष नू ये पत्र दे, क्योंकि ये सरोपा पाके उन्हें ताजपोशी हो गई है, पर एक कोई भी प्रमाण होना चाहिए। जोश दे नाल लिखी हुई है, तुसी इस चीज़ तो। मैं विशाल नैयर, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य एवं प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारत हिंदू महासभा, असी अज लुधियाने जिले के उप प्रधान श्री वरुण जिंदल जी नूं अज जिहड़ी जिले की जिम्मेवारी दित्ती गई है और इन्हां दी जिहड़ी सेवा लोकां प्रति देखी सी उहनूं देखदे होए असी अज श्री वरुण जिंदल जी नूं अखिल भारत हिंदू महासभा दा जिले का वाइस प्रधान नियुक्त कर रहे हैं। भारत हिंदू महासभा ये सियासी भी है, लोगों के हितों लिए भी है और समाज सेवा लिए भी बनी हुई। साडे जिहड़े सिख भरा ने वह भी साडे ही भरा ने। इंसान एक घर के बैठा होवे तो आप नहीं कह सकते वक्री जाति का, वो साडा भरा है, चाहे वह सिख भरा है, चाहे वह मुसलमान है, चाहे वह हिंदू है, चाहे वह किसी भी धर्म का। हाँ, पर असी उस धर्म का विरोध करते हैं जिहड़े हिंदू धर्म नूं सिख धर्म नूं बदनाम करन दी कोशिश कर रहे ने, जिवें क्रिश्चन भाईचारा हिंदू भाईचारे नूं सिख भाईचारे नूं गुमराह करके जिहड़ा अपने नाल जोड़ रहा है, ये बड़ी घोर अपराध। पाकिस्तान दे विच साडे जिहड़े मुसलमान भाईचारा वह हिंदुआं नूं सिखां नूं डरा के धमका के अपने नाल जोड़न की कोशिश कर रहे हैं। मैं उन्हां मुसलमानां नूं अज चैलेंज करदा हां कि तुसी बंद हो जाओ, नहीं तो तुहाडा हशर वो माड़ा होएगा और तुसी वो देखते रहोगे। मैं पाकिस्तान का बहुत जल्द पुतला साड़ूंगा, दिल्ली दे विच जिहड़ा एम्बैसी दा है उत्थे जाके पाकिस्तान का पुतला साड़ा। परिवारां दे जिहड़े परिवारिक सदस्य सी उन्हां नूं मुसलमान भाईचारा चक के लै गया सीगा, असी इसका कड़ा विरोध करते हैं। मैं बहुत जल्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नूं इस बारे पत्र भी लिखांगा और अमित शाह जी नूं भी पत्र लिखांगा कि ये बड़ा घोर अपराध हो रहा है कि पाकिस्तान सिख भाईचारे और हिंदू भाईचारे दे नाल बड़ा बतरिया व्यवहार कर रही करांगे। मैं आदित्य योगी नाथ जी नूं मंग करदा हां कि जिहड़ी साडी हिंदू कुड़ी नूं 19 साल दी ओह कुड़ी जिहदे नाल गैंग रेप होया उसका तुसी कड़ा तो कड़ा
एक्शन लिता जाए ना लिता जाए तो असी लखनऊ जाके मुख्यमंत्री का घेराव करांगे कोठी के बाहर जाके और उत्थे अमरन अनशन दे बह जाएंगे अगर इसका जल्द तो जल्द अगर ना कोई डिसीजन लिता गया तो मैं और मेरी टीम मुख्यमंत्री के घर के बाहर जाके भुखड़ से बैठी है। यह जी गंदी सियासत साड़िया सरकार किसान के नाल कर रही है होता कुर्सिया से बैठे ने आप उन्होंने धरनिया नहीं आ रहे सिर्फ ट्रैक्टर लैके धरनिया कर रहे हैं कोई कांग्रेस पार्टी का झंडा चक रहा है कोई अकाली दल का चक रहा है क्योंकि तुम किसानों सड़कों से लैके आ गए हो जे तुम किसान के हक चो तो किसान के नाल भुक्कड़ दल से बैठो बैठो रेलवे उत्थे फाटकों से जाके अपने अपने इस्तीफे देन चाहे वह मैंबर पार्लियामेंट ने चाहे राज्यसभा के सदस्य ने क्यों नहीं अपने इस्तीफे देंगे क्यों किसानों भुक्कड़ दल से मजबूर किया हो बैठन से। नरेंद्र मोदी ने जो कानून लिया है वो गलत मनते हो क्योंकि किसानों भड़काया जा रहा है क्योंकि हर गुमराह किया जा रहा है क्योंकि हरसिमरत कौर बादल अगर एक कानून गलत है तो हरसिमरत कौर बादल उस वक्त उस समय से सेंट्रल मिनिस्टर सी जो इस कानून पास किया गया तो उदो हरसिमरत कौर बादल ने इसका विरोध क्यों नहीं किया जो कानून लागू हो गया तो हरसिमरत कौर बादल ने अस्तीफा देता क्योंकि उनकी दोहरी राजनीति सी इस करके अकाली दल और हरसिमरत कौर बादल डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल इसका फायदा चुक रहे ने क्योंकि आने वाले 2022 दे विच साडे पंजाब दे विच इलेक्शन आ रहे ने किसान का मुद्दा छेड़ के वो इस तेर सियासी रोटियां सेक रहे ने वो चाहन तो किसानों समझा भी सकते ने कि बिल्कुल तुहाडे फायदे च है पर जिहड़ियां पोलीटिकल पार्टियां ने इसका विरोध कर रही ने किसानों सड़कों पर रोल रही ने। मैं किसान भाईचारे को कहना कि जे यह जे तुसी लोगों के मगर लगना है तो तुसी इन्हां दे घर अनबंद कर दिओ ये देखो तुहाडे पिछे पिछे किद्दां घूमणगे अज तुसी इन्हां दे पिछे घूम रहे हो ये कल तुहाडे पिछे घूमणगे। जय हिंद दे नाल पूरी तरह निभावांगा ते अपने हिंदू का भगवा हर जगह पहुँचा अपने हिंदू भाइयों और सिख भाइयों लई मैनूं जो भी करना पिया मैं अपनी पूरी शिद्दत नाल उन्हां दा साथ निभावांगा।